हेलो फ्रेंड्स, इनसे पहले मैं जो डिस्कस किया था वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का 6th पैराग्राफ किया था। आज मैं करने जा रहा हूँ वो है 7th पैराग्राफ से लेकर के आगे जब तक चले, जहाँ तक चले देखते रहिएगा आप कंटिन्यू, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों का सहायता मिल सके। चलिए, अगला पॉइंट है कि दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वर ए स्नेयर, ए यूजलेस इनकम्ब्रेंस एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रोवर्स। यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं कि उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि बड़े बड़े नगर एक फंदा के समान तथा बोझ है ना, स्नेयर एंड यूजलेस, कोई काम का नहीं है, ठीक। एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी, तथा मनुष्य वहां प्रसन्न नहीं रहेंगे, दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रोबर्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम। इसलिए नहीं खुश रहेंगे क्योंकि वहाँ पे चोर, डकैतों का दल, चरित्रहीन स्त्रियाँ तथा सभी प्रकार के बुराइयों के केंद्र यह नगर है। क्लियर? दैट पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय रिच मैन। और कहते हैं कि वहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं वो डकैती किए जाते हैं अमीर लोगों के द्वारा, मतलब निर्धन व्यक्तियों को शक्ति संपन्न धनवान लूट रहे हैं। दे वर देयरफॉर सैटिस्फाइड विद ए स्मॉल प्लेस, वे लोग इसीलिए, अतः वे लोग छोटे गांव में रहना संतुष्ट मानते थे, मतलब वो लोग छोटे गांव में रहना पसंद करते थे। सैटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज यानी संतुष्ट थे अपने छोटे गांव से। चलिए फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट चलते हैं 8th नंबर पैराग्राफ की ओर। ध्यान से देखते रहिए, और एग्जाम में जो है लाइन भी पूछा जाता है तो इस पे आपको फोकस करनी पड़ेगी। कहते दे साव दैट किंग्स एंड देयर एस्वर्ड्स वर इन्फेरियर टू द एस्वर्ड्स ऑफ एथिक्स, एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोब्रीजंस ऑफ द अर्थ टू बी इन्फेरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स। यहाँ पर एक चीज फोकस करने की बात है कि उन्होंने हमारे पूर्वज, यानी उन्होंने कहने का तात्पर्य हमारे पूर्वज देखा कि राजा तथा उसकी तलवार सदाचार तलवार से लघुतर है, निम्न स्तर की है। वे जो पृथ्वी के सार्वभौम सत्ता की स्वामी है उनका स्तर प्रभाव वो ऋषियों तथा सत्तों के निम्नतर है। कहने का तात्पर्य है, महात्मा गांधी कहना ये चाह रहे हैं कि भले ही राजा हो या राजा की तलवार क्यों ना हो, है ना, उन्होंने देखा है कि बड़े बड़े राजा जो है ना उसके पीछे इन्फेरियर हो जाते थे, मतलब साधु संत जो थे ना उसके पीछे क्या हो जाते थे, मतलब नीचे पड़ जाते थे राजा किनके सामने, तो ये ऋषि और फकीर के सामने, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद, ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटेड टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, बट दे वर ऑल विद इन पॉन्ड्स। कहते हैं महात्मा गांधी आगे कि इस प्रकार के संविधान से, इस प्रकार के संविधान से युक्त राष्ट्र ही दूसरों को शिक्षा देने के सर्वथा उपयुक्त है। कहने का तात्पर्य है, हमारे देश की जो
संविधान बना है वो दूसरे देशों की शिक्षा देने योग्य है। वे दूसरों से शिक्षा प्राप्त करने दूसरे से शिक्षा प्राप्त करने की अपेक्षा उन्हें शिक्षा देने में पूर्ण सक्षम है। इस राष्ट्र में न्यायालय यानी कोर्ट्स, वकील लॉयर्स तथा डॉक्टर थे, लेकिन वे सभी एक सीमा में बंधे हुए थे। क्लियर? ध्यान रखिएगा कि बट दे वर ऑल विद इन बॉन्ड्स, मतलब लॉयर्स भी था, डॉक्टर्स भी थे, लेकिन वो सब एक बंधन में बंधे हुए थे। एवरीबॉडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। वे लोग जानते थे, क्या जानते थे, तो ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति जानता था, प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि यह व्यवसाय विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं थे, यानी कि जिसे आज हम लोग बहुत ही बड़ा पोस्ट पे रखे हुए हैं, है ना, वो उनको ये व्यवसाय उनको सर्वश्रेष्ठ नहीं लगते थे। ठीक, लेकिन विशेषकर वकील तथा वैध लोगों को लूटने नहीं थे। मतलब आजकल के जो वकील होते हैं, वैध होते हैं, वो लोगों को लूटने में विश्वास रखते हैं, लेकिन पहले के जो लोग थे लूटते नहीं थे, वे लोगों पर आश्रित समझते थे। मतलब लोग हैं तो हम हैं, ऐसा वे लोग समझते थे। ठीक, दीज वकील्स डिड नॉट रोप पीपल, दे वर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट नॉट देयर मास्टर्स। वो अपने मालिकों पे डिपेंड नहीं होते थे, बल्कि लोगों पे डिपेंड होते थे। क्लियर? लेकिन कि आजकल के जो वकील होते हैं, आजकल के जो डॉक्टर होते हैं, वो लूटने का प्रयास करते हैं। द ऑर्डिनरी रूल वाज अवॉइडेड कोर्ट्स, दे वर नो डाउट्स टू ल्यूर पीपुल इन टू देम, दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एन अराउंड कैपिटल, अराउंड कैपिटल्स, द कॉमन पीपुल लिव्ड independently and followed their agricultural occupation, they enjoyed true home rule। ठीक, ध्यान रखना है फ्रेंड्स एक चीज कि उनके ध्यान रखना है कि वे लोग आश्रित समझते थे किस पर, लोगों पर। क्लियर? वे उनके स्वामी नहीं थे उनके आश्रय का, है ना, यस, ये लोगों पर डिपेंड रहा करते थे। अभी जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर भी किसी के अंदर रहते हैं, जिन्हें कारण वो अपने हाथों से, मतलब नहीं भी लेना चाहे मरीज से, तो पूरे सिस्टम उनको लेने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक, न्याय प्रायः स्वच्छ था, न्यायालयों से दूर रहना अर्थात उससे बचना सामान्य नियम था। लोगों को फुसलाने वाले दलाल नहीं थे, बुराइयों तथा बुरे लोग केवल बड़े नगरों के आसपास ही पाए जाते थे। सामान्य जन स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करते थे तथा अपने कार्य में व्यस्त रहते थे, वस्तुतः स्वशासन का आनंद लेते थे। चलिए, ओके, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।